गाइस ये है अमृता रेस्टोरेंट, चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। हैदराबाद से हम लोग चले थे इस रूट से समझे डाउन द लाइन, और यहाँ पे हमें जाना है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। लगभग 15-20 किलोमीटर रह गया है अभी। वाइब बहुत बढ़िया है, अगर आप क्लोजली देखोगे तो पूरे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बाद डैम है यहाँ पे। बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारी सी मतलब बोल सकते हैं हवा बहुत प्यारी सी चल रही है यहाँ पे। और जब आप बेसिकली तमिलनाडु वाले एरिया में आने लगते हो ना, बेसिकली ये वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश में आता है सिरिसर, बट जब आप एंटर करते हो ना इस पूरे एरिया में, पहली चीज़ खाना बहुत बढ़िया है यहाँ का, इडली डोसा सांभर, और जो वाइब है वो बहुत बढ़िया है, और चाय बहुत बढ़िया है यहाँ की। सो गाइस अभी हम लोग सिरिसैलम पहुँचने वाले हैं, उसके बीच में अभी करेंटली हम लोग टाइगर रिजर्व से क्रॉस कर रहे हैं। ये सिरिसैलम टाइगर रिजर्व है, और ये जो पूरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है ये फेमस है बियर्स के लिए, टाइगर्स के लिए और वाइल्ड एनिमल्स के लिए। बेसिकली इस समय वार्निंग स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलती है जब आप क्रॉस करते हो इस पूरे एरिया को, कि आप ट्रैवल अवॉइड करिए अनटिल अनलेस इम्पॉर्टेंट नाउ। लेकिन सिंस हमारे पास परमिशन थी तो वी आर ट्रैवलिंग। और यहाँ पे बेसिकली होता ही है कि ये समय क्रॉसिंग के लिए है, मतलब जानवर रोड क्रॉस करते हैं इधर से उधर, और यहीं पर हमें आगे जाके कृष्णा नदी मिलेगी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर भी है ऑफिशियली। उसको हम जैसे ही पार करेंगे तो हम ऑफिशियली आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। अभी हम लोग तेलंगाना में ही हैं। पूरा जो ये एरिया है हाईली टेरेन एरिया है, लाइक माउंटेन एरिया है, चढ़ाई भी है, फिर उसके बाद यहाँ पे डैम भी है कृष्णा नदी पे, और इस डैम के पास ही पूरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आसपास जो पूरा शहर बसा हुआ है सिरिसैलम, वो उस डैम के आसपास ही एक तरीके से बसा हुआ है। सो टूरिस्ट स्पॉट तो है ही, साथ ही साथ हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल प्लेस भी है, लोग भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है वो है यहाँ का जंगल, हाईली डेंस और बहुत घना जंगल है ये। तो अगर आप आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप रात में ना आते हुए मॉर्निंग में आइए, ताकि यहाँ के व्यूज़ भी इंजॉय कर पो। प्लस यहाँ पे थोड़ा सी आगे ऑक्टोपस पॉइंट करके एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से पूरी कृष्णा नदी का जो डैम बना हुआ है यहाँ पर, वो उसका बहुत प्यारा सा व्यू आता है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे आप छोटा सा नैनीताल बोल सकते हो, वैसे ही वाला व्यू यहाँ पर भी है।